आईपीएल 2023 में हार्दिक देंगे इस रणनीति पर ध्यान, धोनी रोहित को पीछे छोड़कर बढ़ाएंगे गुजरात की शान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, आईपीएल 2023 की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 2023 की खबरें हम लगातार आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन इन खबरों के बीच हार्दिक पांड्या ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अभी से ही ये प्लानिंग बनानी शुरू कर दी है कि किस रणनीति के साथ 2023 में उतरा जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है कि 2022 की चैंपियन गुजरात की टीम है। इसलिए गुजरात की टीम कोशिश करेगी कि 2023 में भी उसी रणनीति के साथ मैदान पर उतरा जाए, ताकि गुजरात की टीम चैंपियन बन पाए। तो उसके लिए हार्दिक पांड्या ने एक खास रणनीति पर, एक खास प्लानिंग पर, एक खास रोडमैप पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल 2023 में आपको पता है कि उससे पहले मिनी ऑक्शन होना है। कुछ खिलाड़ियों को हार्दिक पांड्या ने बाहर निकाल दिया, गुजरात की टीम ने बाहर निकाल दिया है, और अब मिनी ऑक्शन में कुछ खिलाड़ियों को ऐड किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक हार्दिक पांड्या ने एक अपनी मंशा साफ कर दी, एक रणनीति साफ कर दी कि किस रणनीति के तहत अब गुजरात की टीम अपने सफर को आगे बढ़ाएगी। और हार्दिक पांड्या वो काम करने वाले हैं जो अभी तक ना धोनी ने किया है ना रोहित ने किया है। इसीलिए इन दोनों कप्तानों को पीछे छोड़कर हार्दिक पांड्या अब अपनी टीम की नई पहचान बनाने वाले हैं। हो सकता है कि हार्दिक पांड्या का यह काम गुजरात के काम आए और गुजरात चैंपियन बन जाए। दरअसल अभी तक आपने देखा होगा, अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स का इतिहास उठाकर देखें, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने कभी भी नौजवान खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा नहीं जताया, अनुभव खिलाड़ियों पर भरोसा जताया, अनुभवी खिलाड़ियों पर। उम्रदराज खिलाड़ियों की टीम होती थी, डैडी आर्मी कहा जाता था चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन अगर रोहित की टीम को देखें, तो रोहित की टीम भी नौजवान खिलाड़ियों को ज्यादा तवज्जो देने में भरोसा नहीं रखती थी। रोहित की टीम में भी मिले जुले खिलाड़ी रहते थे और ज्यादातर उम्रदराज खिलाड़ियों के साथ ही रोहित की टीम अनुभवी खिलाड़ियों के साथ ही जाती थी। लेकिन अब हार्दिक पांड्या ने इन दोनों को पीछे छोड़कर एक नया पैटर्न तैयार किया है। वो पैटर्न है फिटनेस का पैटर्न। हार्दिक पांड्या ने साफ कर दिया है कि अब उनकी टीम में वो खिलाड़ी खेलेंगे जिनकी फिटनेस बेहतर है। हार्दिक का मानना है कि अगर खिलाड़ी फिट है तो वो अपना 100% मैदान पर दे सकता है। अगर खिलाड़ी फिट है तो वो बेहतर खेल दिखा सकता है। बात गेंदबाज की करिए, बल्लेबाज की करिए या फील्डर की करिए, अगर आपकी फिटनेस बेहतर है तो आप अपना 100% मैदान पर दे सकते हैं और टीम की जीत में अहम योगदान निभा सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या ने साफ कर दिया है कि उनकी टीम की जीत का मूल मंत्र फिटनेस होगा। फिटनेस वाले खिलाड़ियों को ज्यादा मौका दिया जाएगा और उस काम में नौजवान खिलाड़ियों के साथ हार्दिक पांड्या अब आगे बढ़ेंगे। वैसे हार्दिक पांड्या दूसरों को नहीं, खुद भी फिट रहते हैं, अपनी फिटनेस पर भी ध्यान रखते हैं। और अगर कप्तान फिट हो तो जाहिर तौर पर दूसरे खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन मिलता है कि आपका कप्तान जब इतना फिट है, इतना बेहतर तरीके से चुस्त दुरुस्त है, तो आप भी फिटनेस पर ध्यान दें। और ये मंत्र हार्दिक पांड्या अब 2023 में लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपका हार्दिक पांड्या के इस मंत्र पर क्या कहना है? क्या वास्तव में फिटनेस बहुत जरूरी है टीम में हार्दिक पांड्या के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके के आईपीएल 2023 की दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।